इफ यू गाइज डोट नो अबाउट मी माई नेम इज राहुल रोहि आई एम बी टेक फ्रॉम डेली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विद मोर देन फोर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग आई हैव टॉट मोर देन वन लाख स्टूडेंट्स हुव क्लियर वेरियस एग्जाम्स लाइक आई एन एम ओ एन टी एस सी एंड सी बी एस ई बोर्ड एग्जाम्स राइट एंड अगर आप मेरी सीरीज को इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप मेरी बाकी सीरीज को ही फॉलो कर सकते हैं मेरी और सीरीज जो इस चैनल पे आती हैं वो लर्न हट के सीरीज़ है लर्न के की हम टाइमिंग्स थोड़ी चेंज कर रहे हैं हम इनकी टाइमिंग्स को स्विच कर रहे हैं बेसिकली लर्न के की टाइमिंग्स अब ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे होगी और आई क्यू एम की जो होगी वो होगी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे ये नेक्स्ट वीक से हो जाएगा तो इस डिटेल को आप ध्यान से देखिएगा और लर्न हट के स्पेशल तो आपको पता ही है जिसमें हम ओलंपियाड प्रॉब्लम्स हाई लेवल की डिस्कस करते हैं रोज़ साढ़े आठ बजे और आयो ओ क्यू एम के पास ईयर क्वेश्चन तो हम डिस्कस करते ही हैं लर्न हट के में हम थियोरी पढ़ते हैं और अगर आप एन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं लेट्स क्रैक फाउंडेशन और एन में रोज़ चार बजे शाम को पास ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये सीरीज़ मेरी फॉलो कर सकते हैं ये सारी सीरीज एब्सोल्युटली फ्री यूट्यूब पे है अगर आप इन सारे कोर्सेज़ को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से भी पढ़ना चाहते हैं जिसमें आप प्रॉपरली अपने प्रेजेंटेशन देख सकें अपने नोट्स क्लास uh, के आपको मिल सकें आप टेस्ट्स दे सकें तो आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसे आपको लाइव क्लासेस करने का मौका मिलेगा टीचर्स के साथ एजुकेटर्स के साथ पर्सनली uh, अपने डाउट्स अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने का मौका मिलेगा आ, लाइफ पोल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा टेस्ट सीरीज देने का यू नो यू विल गेट द चांस टू गिव टेस्ट सीरीज एंड एनालाइज योर रिजल्ट और बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे इन दी सेशन क्योंकि आ, जो लाइव क्लासेस होती है अन अकेडमी पे उसमें लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं और आप अपने डाउट्स लाइव ही क्लास में सॉल्व करवा सकते हैं बाय द टीचर और हर तीसरे सेशन के बाद एक स्पेशल सेशन होता है डाउट क्लियरिंग सेशन जिसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा होता है बहुत ही अमेजिंग और फन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे बच्चों की चैट चलती रहती है यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चंस आते रहते हैं और यहाँ पे दिस इज द ब्लैक बोर्ड ओके तो अगर आप ये कोर्स में इंटरेस्टेड है एंड यू शुड बी इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज वे विद नोट्स टेस्ट सीरीज एंड एक्सेट्रा तो आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए अब नाइन्थ में हो टेंथ में हो इलेवंथ में हो ट्वेल्थ में हो, आपको कुछ नहीं करना अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है उसके बाद आपको अपना टारगेट या गोल चूज करना है इफ़ यू आर ए नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास इलेवंथ ट्वेल्थ जो भी आपकी क्लास है देन वट यू कैन डू इज आप अपना चूज कर सकते हैं अगर आपको बारह महीने चौबीस महीने या थर्टी सिक्स महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है आपको उसके लिए प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा Uh, अगर आप नाइन्थ या टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास में हैं तो दो साल का कोर्स uh, का फीस है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज और बारह महीने का कॉस्ट है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं माय कोड इज रोहेला टेन तो अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टेन डिस्काउंट भी मिलेगा तो देर किस बात की अगर आप एक स्ट्रक्चर तरीके से अपने स्टडीज को करना चाहते हैं तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं और अपनी स्टडीज को एक हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आप अन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसके भी बहुत फायदे हैं बेसिकली इसमें आपको पर्सनल मेंटर एक पर्सनल गाइड मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आपका टाइम टेबल स्टडी प्लानर आपको किस हिसाब से कैसे पढ़ना है कौन से एग्जाम की कब से तैयारी करनी है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्लियर हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ अकेडमिक मेंटोर जो आपका पर्सनल गाइड होगा तो इसके अलावा आपको यहां पे क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलेगा जहां पे आपको अपनी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा बाय यू नो गोइंग फॉर डिफरेंट क्लासेस फॉर क्रिएटिविटी बहुत सारे अलग अलग तरीके की क्लासेस हैं अपनी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करने की तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अब इसका कॉस्ट है फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड चौबीस महीने यानी दो साल का कोर्स क्लास नाइन्थ एंड थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर एटीन मंथस अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रोहिला टेन अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर अब आगे चलते हैं यार तो पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे दो क्वेश्चन दिए थे दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन भी हम करेंगे और इन क्वेश्चन को आंसर करने वाले जो बच्चे हैं दीप ज्योति करेक्ट आउट टू ऑल दी स्टूडेंट्स दीप ज्योति अनस सत्यांश रौनक एंड स्वयं तो बहुत सारे बच्चे थे मैंने कुछ ही बच्चे चूज करे हैं एंड दीज गाइज आर यू नो दे हैव इट करेक्टली वेरी नाइस है वेल डन शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू अमेजिंग तो इसी तरह आप भी होमवर्क को अगर आंसर करेंगे चैट में तो आपको भी अगली क्लास में शाउट आउट करने का मौका मिलेगा आपका भी सोल्यूशन स्क्रीन पर आ सकता है जैसे अनर्स का सोल्यूशन बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत करके कमेंट्स uh, में डाला है वेरी नाइस nice बच्चा वेरी नाइस ओके तो आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूं वो हम देखते हैं एक बार कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं कैसी प्रॉब्लम्स हैं स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से ठीक है ओके okay, तो यार ये पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन वन जीरो वन दैट के नॉट बी रिटर्न दैट के नॉट बी रिटर्न एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वास ऑफ द इंटीजर्स ठीक है ऐसे नंबर्स हमें बताने हैं 101 से कम जिनको हम नहीं लिख सकते कैसे डिफरेंस मतलब दो स्कोर्स के डिफरेंस की तरह तो एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज याद में आएगी कि भाई अगर मान लीजिए मेरे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं लेट से मैंने एक नंबर लिया के और दूसरा नंबर लिया के प्लस वन अगर मैंने दोनों का स्क्वायर किया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया अगर मेरे पास है प्लस वन माइनस के स्क्वायर तो ये, किसके होगा? K plus 2K plus 1 K ये क्या हो गया दिस इज इक्वल टू टू के प्लस वन टू के प्लस वन क्या होता है एक और नंबर होता है तो यहां से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी वो है कि अगर आपके पास कोई भी ऑड नंबर है आप उसको डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर की तरह लिख सकते हैं जैसे अगर आपको फाइव लिखना है फाइव क्या हो जाएगा टू इंटू टू प्लस वन तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं तो के आ गया मेरे पास टू तो टू प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर दिस इज बेसिकली थ्री का स्क्वायर विच इज नाइन माइनस फोर विच इज फाइव है ना तो आप कोई भी ऑड नंबर को मान लीजिए अगर आपको लिखना है सेवनटीन सेवनटीन इज ऑड नंबर इसको आप लिख सकते हैं टू इंटू एट प्लस वन तो अगर आपको सेवनटीन को लिखना है एज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स तो k का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा एट है ना तो आप इसको लिख सकते हैं एट प्लस वन का स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर विच इज एटी वन माइनस सिक्सटी फोर एटी वन माइनस सिक्सटी फोर कितना होगा 17 ठीक है तो सबसे पहली चीज आपको यहां पे क्या समझ आनी चाहिए सबसे पहली चीज आपको ये समझ आनी चाहिए एवरी ऑड नंबर हर ऑड नंबर को आप डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में लिख सकते हैं एवरी ऑड नंबर लेस देन वन जीरो वन कैन बी रिटर्न एज प्लस वन का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्योंकि ये किसके बराबर होगा टू के प्लस वन और टू के प्लस वन क्या होता है ऑड नंबर और यहां पे अगर आप देखेंगे दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है ना तो यही हमें बताना था तो भाई 101 से नीचे कितने ऑड नंबर्स होंगे देर विल बी 50 ऑड नंबर्स लेस देन 101 है ना तो 50 ऑड नंबर्स ऐसे हो गए जिनको हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स की तरह लिख सकते हैं आई होप दिस इज क्लियर ठीक है अब चलते हैं और हमारे पास पचास तो ऑड नंबर आ गए जिनको हम लिख सकते हैं और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं अब इवन नंबर्स की बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट इवन नंबर्स क्या हम कोई भी इवन नंबर को लिख सकते हैं एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स जैसे अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा इवन नंबर मान लीजिए टू टाइम्स समथिंग है अगर ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के बराबर है तो ऐसा कुछ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर ए और बी दोनों ऑड हैं इफ ए एंड बी बोथ आर ऑड तब ए माइनस बी क्या होगा इवन और ए प्लस बी क्या होगा इवन मतलब ये पूरा विल बी डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय किससे बाय फोर से ये सेम केस होगा अगर ए और बी दोनों इवन होते हैं अगर दोनों ए और बी इवन होते हैं उस केस में भी ए माइनस बी और ए प्लस बी विल बी इवन एंड दे विल बी डिविजिबल बाय फोर यस और नो तो कैन आई से टू के विच इज बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी कॉन्ग्रुएंट विद जीरो मॉड फोर अगर ए और बी का सेम पैरिटी है सेम पैरिटी का मतलब या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों साथ में इवन होंगे ठीक है और अगर कोई भी मल्टीपल ऑफ फोर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं अगर आप ध्यान दो के प्लस वन का जो स्क्वायर होता है अगर मैं उसमें सब करूंगा k माइनस वन का स्क्वायर तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा तो बेसिकली ये आएगा के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के माइनस के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के तो के स्क्वायर विल कैंसिल वन विल कैंसिल एंड फाइनली यू विल गेट फोर के तो फोर के बेसिकली क्या है फोर टाइम्स समथिंग मतलब ये क्या है मल्टीपल ऑफ फोर है ना तो कोई भी मल्टीपल ऑफ फोर अगर कोई नंबर होगा उसको मैं डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स में लिख सकता हूं समझ आया एवरी मल्टीपल ऑफ फोर कैन बी रिटर्न एस This, जो मैंने ऊपर लिखा है के प्लस वन का स्क्वायर माइनस के माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स मतलब ये क्या है मल्टीपल ऑफ फोर है ना और इसको मैं एज ए डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स लिख सकता हूं तो ऐसे मेरे पास कितने नंबर आएंगे एक सौ एक से नीचे पच्चीस नंबर ऐसे हैं मतलब हंड्रेड को डिवाइड कर लीजिए यू विल गेट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ऐसे नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय और, है ना ऐसे नंबर्स कितने हैं पच्चीस नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय फोर तो बेसिकली हमारे पास पच्चीस नंबर ये आ गए जिनको हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में लिख सकते हैं पचास मेरे पास और आ गए जिनको हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स लिख सकते हैं तो टोटल मेरे पास सेवेंटी फाइव नंबर हैं जिनको हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स लिख सकते हैं तो बचे हुए नंबर्स कैन नॉट बी रिटर्न एज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स तो अगर मेरे पास एक सौ एक से नीचे सौ नंबर्स हैं सौ नंबर्स में से अगर सेवेंटी फाइव नंबर ऐसे हैं जिनको हम डिफरेंस ऑफ स्क्वास लिख सकते हैं तो बचे हुए जो ट्वेंटी फाइव नंबर होंगे दे कैन नॉट बी रिटन एज द डिफरेंस ऑफ सो ट्वेंटी क्वेश्चन आई होप आपको यह समझ आ गया हो क्लियर है चलिए चलते हैं भाई फिर अगले क्वेश्चन की तरफ प्लीज एक बार बता दीजिए इफ यू आर क्लियर विद दिस है ना मैंने क्या किया बेसिकली पहले ऑड नंबर्स का केस लिया और मैंने रियलाइज किया कि दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स का डिफरेंस विल ऑलवेज बी अ ऑड नंबर और यहाँ पे कोई भी दो इवन नंबर्स का डिफरेंस स्क्वायर का विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ फोर ये दोनों चीजें यूज करके हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस चलिए चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर टू की तरफ ठीक है क्वेश्चन नंबर टू ऑन योर स्क्रीन नाउ क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए का पावर बी सच दैट द पॉजिटिव इंटीजर एंड बी तो ए और बी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है मतलब नेचुरल नंबर बोथ आर ग्रेटर देन वन और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि का 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 पावर 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 प्लस 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 इज इक्वल टू फाइव थ्री टू नाइन ओके okay. ये ट्राई करना है क्वेश्चन आपको आप ये भी कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करके देख लीजिए नहीं समझ आता अगर नहीं हो पाता आप तो आप ऑब्वियसली मेरा सोल्यूशन तो देख ही सकते हैं वरना अगर आपसे हो गया तो यू विल फील वेरी ऑसम मजा आ जाएगा है ना चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं क्या करना है मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए प्लस ए का पावर बी इन टू बी का पावर ए इस तरफ मैं वन ऐड करूंगा दोनों तरफ मैं वन ऐड कर दूंगा तो मेरे पास फाइव थ्री थ्री जीरो आ जाएगा ठीक है इस तरफ और इस तरफ मेरे पास वन आ गया अब मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ अगर मैं इन दोनों में से ए का पावर बी कॉमन लूँ तो मेरे पास आ जाएगा वन प्लस बी का पावर ए और बची क्या है चीज़ें बची हुई चीज़ें हैं वन प्लस बी का पावर ए इस इक्वल टू फाइव थ्री थ्री जीरो तो इसको आप अगर आप सॉल्व करते हैं वन प्लस बी का पावर ए अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा 1 प्लस A का पावर बी इज इक्वल टू फाइव थ्री थ्री जीरो अब यार एक बार फाइव थ्री थ्री जीरो को देख लो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा अगर मैं देखूं फाइव थ्री थ्री जीरो का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा टू से डिवाइड करते हैं टू टू जो फोर टू सिक्स टू सिक्स टू फाइव फाइव से डिवाइड करते हैं फाइव फाइव जो ट्वेंटी फ़ाइव फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फिर किस नंबर से डिवाइड किया जाए सेवन से डिवाइड होगा सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन एट नाइन नाइन से भी नहीं होगा टेन इलेवन, इलेवन से भी नहीं होगा ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन हाँ थर्टीन से हो जाएगा थर्टीन फोर ज़ा फिफ्टी टू थर्टीन वन ज़ा थर्टीन एंड यू विल गेट फोर्टी वन इन फोर्टी वन इंटू वन ओके तो फाइनली मेरे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है कि जो फाइव थ्री थ्री जीरो है ये किसके बराबर है दिस इज इक्वल टू टू इंटू फाइव इंटू थर्टीन इंटू फोर्टी वन अब क्योंकि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं तो ये भी एक नेचुरल नंबर होगा ये भी एक नेचुरल नंबर होगा दोनों वन से तो बड़े होंगे ही तो अब इसमें आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं आप आप लगा लीजिए कि भाई एक नंबर होगा मेरे पास 65 एक नंबर होगा एटी टू या फिर आप चेक कर सकते हैं भाई एक नंबर होगा ट्वेंटी सिक्स दूसरा नंबर क्या होगा टू जीरो फाइव मतलब एक बार अगर मैंने इन दोनों को ले लिया और फिर इन दोनों को ले लिया ऐसे करते करते आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइए और चेक करिए कौन सा कॉम्बिनेशन इसको सेटिसफाई करेगा ठीक है जैसे अगर मैंने ट्वेंटी सिक्स लिया uh, इसका वैल्यू वन प्लस बी का पावर ए का वैल्यू तो अगर मेरे पास है वन प्लस बी का पावर ए इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स तो बी का पावर ए आ जाएगा किसके बराबर ट्वेंटी फाइव के तो ये तो कब तभी पॉसिबल है जब बी हो फाइव ए हो टू है ना और इसका मतलब वन प्लस ए का पावर बी किसके बराबर है दो सौ के बराबर है इज दैट पॉसिबल मतलब वन प्लस टू का पावर फाइव ये तो कुछ और ही होता है ये तो थर्टी थ्री होता है इट इज़ नॉट इक्वल टू टू जीरो फाइव तो ये पॉसिबल नहीं है इसी तरह आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं आप एक को मान लीजिए सिक्सटी फाइव एक को मान लीजिए एटी टू ठीक है अगर मैंने बोला कि भाई वन प्लस ए का पावर बी इज ईक्ल टू एटी टू तो ए का पावर बी क्या आ जाएगा एटी वन और एटी वन ये तभी पॉसिबल है जब अब इसकी पावर आप कुछ भी ले सकते हैं थ्री की पावर फोर ले सकते हैं नाइन की पावर टू ले सकते हैं अगर मैंने थ्री की पावर फोर ली इज एकवल टू एटी वन तो मेरे पास ए आ जाएगा थ्री और बी आ जाएगा फोर और अगर मैंने ये दूसरे में ट्राई किया वन प्लस बी का पावर ए दिस इज बेसिकली वन प्लस फोर का पावर थ्री फोर क्यूब है तो दोनों वर्क कर रहे हैं है ना दे बोथ आर वर्किंग तो फाइनली आप यहां से आंसर कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा ए इज इक्वल टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू फोर तो ये नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा है ना तो आपसे पूछा है भाई लार्जेस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी तो बेसिकली थ्री का पावर फोर विच इज एटी वन सिक्सटी फाइव आप फोर का पावर थ्री लेंगे तो ये आ जाएगा सिक्सटी फोर एटी वन विल बी द लार्जेस्ट नंबर दिस विल बी द आंसर आई होप आपको ये समझ आया हो क्लियर है तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कुछ ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगी फैक्टराइज किया और फिर उसके बाद थोड़ा हमने हिट एंड ट्रायल यूज किया चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थर्ड स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो ओके थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है मेरे पास तो मान लीजिए मेरे पास है एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू अब क्योंकि हम उनको तीनों को ऐड कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर क्या होगा कि हम x माइनस वन एक्स और x प्लस वन ले लें ताकि वन अगर ऐड करें तो वन हट जाए तो इसकी पावर वन है इसको हमने पावर टू पे रेस किया इसकी पावर हमने थ्री करी ये किसके बराबर है दिस इज इक्वल टू वॉट थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स

तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए दिस इज बेसिकली इक्वल टू थ्री एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर ठीक है तो एक बार इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स वन एक्स प्लस वन का क्यूब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और या yeah. यही टर्म्स होंगी एक्स क्यूब प्लस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है ना यस फोर टर्म्स दिस शुड बी इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर ठीक है अब आपको इसको ट्राई करना है देखना है कि क्या इसमें वर्क करेगा क्या इसमें वर्क नहीं करेगा ओके सारी टर्म्स को एक बार आप राइट हैंड साइड पे लेके जाइए आपके पास आएगा एक्स क्यूब यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर है यहां पे फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ आके आ जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर एक्स की कितनी टर्म है एक टर्म ये है ये आ जाएगा प्लस फोर एक्स माइनस वन से वन कैंसिल दिस इज इक्वल टू जीरो यहां से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो आप इसको फैक्टराइज करिए फैक्टर्स आएंगे एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस फोर तो x की आपके पास तीन वैल्यूज आ रही हैं जीरो वन या फोर अब क्योंकि हमने नंबर्स माने हैं x माइनस वन एक्स और x प्लस वन तो x की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती है ना? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वन क्यों नहीं हो सकती क्योंकि फिर x माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो वन माइनस वन हो जाएगा जीरो जीरो हम ले नहीं सकते क्योंकि तीनों नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो बचा क्या फोर तो अगर मैं फोर डालता हूं यहां पे तो फोर माइनस वन फोर एंड फोर प्लस वन विल बी द थ्री इंटीजर्स दे आर बेसिकली थ्री फोर एंड फाइव आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना रिजल्ट यहां पे वैल्यू पुट करके थ्री प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव क्यू ये क्या बोला गया था हमें किसके बराबर है इनके सम मतलब दैट विल बी ट्वेल्व का स्क्वायर चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सिक्सटीन प्लस नाइन प्लस वन ट्वेंटी फाइव तो बेसिकली सिक्सटीन प्लस थ्री प्लस वन ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा 144 के बराबर क्या आ रहा है बराबर हाँ जी ये बराबर आ रहा है दिस इज एक्चुअली इक्वल है ना तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना बस यहाँ पे की चीज आपको जो ध्यान में रखनी है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है द इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई आपको नंबर ये मानने हैं अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये नंबर भी तो मान सकते थे हम है ना अगर आप ये नंबर मानते तो आपकी कैलकुलेशन और बढ़ जाती क्योंकि अगर मैंने ये नंबर माने तो वन और माइनस वन कैंसिल हो गया और यहां पे सिर्फ सीधा नाइन एक्स स्क्वायर आ गया ठीक है अगर मैं ये मानता तो राइट हैंड साइड पे कुछ भी कैंसिल नहीं होता और हमारे लिए एक और प्रॉब्लम आ जाती ठीक है तो बेटर होगा कि आप ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐसा माने ठीक है आई होप दिस इज क्लियर समझ आ गया चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब होमवर्क क्वेश्चन में आपको मैंने यह दिया था दिस वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज लास्ट गिवन इन द होमवर्क एक बार इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं और इसके अगले वाले क्वेश्चन को भी कर लेंगे हमें बोला था कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एन सच दैट रूट ऑफ एन प्लस रूट ऑफ एन प्लस वन इज लेस देन इलेवन है ना ओके इसको एक बार ट्राई करते हैं तो मान लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब अगर ये इलेवन से छोटा होना चाहिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले, ले लेते हैं इलेवन चलो देख लेते हैं अगर मैंने इसकी वैल्यू ली इलेवन तो एन की वैल्यू क्या आएगी ठीक है जो भी एन की वैल्यू इसके ऊपर आएगी उससे उससे तो कम ही होनी चाहिए एन की वैल्यू ताकि ये पूरा रिजल्ट इलेवन से कम हो है ना तो एक बार इसको इक्वल कर देते हैं इलेवन के साथ अब मैं क्या करूँगा इसको एक बार रैशनलाइज करने की कोशिश करूंगा या फिर पहले इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए रेसिप्रोकल लेंगे तो मेरे पास आएगा वन अपॉन रूट एन प्लस रूट ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन इलेवन इसको अगर मैंने रैशनलाइज किया तो आ जाएगा रूट ऑफ एन माइनस रूट ऑफ एन प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एन माइनस रूट ऑफ एन प्लस वन है ना और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बेसिकली आएगा रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस रूट ऑफ एन इज इक्वल टू वन अपॉन इलेवन तो एक रिजल्ट आपके पास ये था दूसरा रिजल्ट आपके पास ये है दोनों रिजल्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं ठीक है दोनों रिजल्ट को क्या करिए आप एड कर दीजिए एंड दैट शुड गिव यू सम सोल्यूशन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो रूट ऑफ एन कैंसिल हो जाएगा मेरे पास आएगा टू टाइम्स रूट ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू इलेवन प्लस वन अपॉन इलेवन तो ये बेसिकली हो जाएगा वन ट्वेंटी टू अपॉन इलेवन टू टाइम्स रूट ऑफ एन प्लस वन तो ये इसको डिवाइड कर जाएगा सिक्सटी वन पे तो रूट ऑफ एन प्लस वन बेसिकली आ जाएगा सिक्सटी वन अपॉन इलेवन आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं तो वहां से एन प्लस वन का वैल्यू आ जाएगा विच इज बेसिकली सिक्सटी वन अपॉन इलेवन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन ट्वेंटी वन और ऊपर आ जाएगा थ्री सेवन टू वन एन का वैल्यू क्या आ जाएगा थ्री सेवन टू वन अपॉन वन ट्वेंटी वन माइनस वन दैट विल कम आउट टू बी थर्टी सिक्स हंड्रेड अपॉन वन टू वन और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एन विल बी वेरी क्लोज टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन फाइव ठीक है तो एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका क्या है सर इसमें रूट ऑफ एन को उस तरफ ले जाओ तो रूट ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू लेस देन इलेवन माइनस रूट ऑफ एन और इसको स्क्वायर करके सॉल्व करके आंसर निकाल लो कि भाई एन क्या होना चाहिए हमारे पास एन का वैल्यू आया है ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन फाइव इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा कि भाई एन शुड बी लेस देन ट्वेंटी नाइन पॉइंट समथिंग ठीक है तो अगर एन ट्वेंटी नाइन से छोटा ट्वेंटी नाइन पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए तो भाई कितनी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो एक से लेकर ट्वेंटी नाइन सारे नेचुरल नंबर्स इस इन इक्वेशन को सेटिसफाई करेंगे ट्वेंटी नाइन के बाद नहीं करेंगे है ना क्योंकि हमारी एन की वैल्यू आई है ट्वेंटी नाइन से ज्यादा तो ट्वेंटी नाइन भी इसको सेटिस्फाई करेगा ऐसा नहीं कि ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन नहीं करेगा ट्वेंटी नाइन भी करेगा लेकिन ट्वेंटी नाइन के बाद जितने भी होंगे वो इसको नहीं सैटिस्फाई करेंगे ठीक है आई होप दिस इज क्लियर ऐसा ही एक और टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास आ, ये वाला एन इज ग्रेटर देन वन और आपसे बोला गया कि भाई वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू ऐसे आपको दी हुई है इज ग्रेटर देन के तो आपको बताना है के क्या होगा ठीक है आपको बताना है कि क्या होगा ठीक है तो इसको कैसे सॉल्व किया सर आपने एक बार ये भी देख लेते हैं लेट्स ट्राई टू लुक एट दिस प्रॉब्लम हाउ वी कैन सॉल्व इट टू फाइंड आंसर तो के केसेस में यार आप कुछ भी रैंडम एब्स्ट्रैक्ट चीजें उठा सकते हो ताकि आपकी इनक्वालिटी सॉल्व हो जाए है ना अब देखिए मैं क्या करूंगा इसमें मैं बेसिकली अगर मुझे पता है कि मेरे पास ये रिजल्ट है है ना अब क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई एन जो मेरा नंबर होगा अगर एक एन नेचुरल नंबर है वो छोटा होगा एन प्लस वन से और एन प्लस वन छोटा होगा एन प्लस टू से एन प्लस टू छोटा होगा एन प्लस थ्री से और ये सारे नंबर्स छोटे होंगे एन स्क्वायर से है ना? सारे छोटे होंगे एन स्क्वायर से तो अगर मैं सबका रेसिप्रोकल ले लू क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई वन बाय एन विल बी मोर अपॉन मोर देन वन अपॉन एन प्लस वन दिस विल बी मोर देन वन अपॉन एन प्लस टू और ऐसे चलता जाएगा और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा वन अपॉन एन स्क्वायर ठीक है अब यहाँ से एक बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग रिजल्ट मेरे पास आता है कि भाई अगर वन बाय एन मैं नंबर की बात करूँ ये कब से बड़ा होगा वन अपॉन एन स्क्वायर से तो ये हमेशा बड़ा होगा ही है ना वन अपॉन एन प्लस वन ये नंबर भी वन अपॉन एन स्क्वायर से हमेशा बड़ा होगा ही वन अपॉन एन प्लस टू ये नंबर भी वन अपॉन एन स्क्वायर से तो बड़ा होगा ही है ना लास्ट नंबर ये सारे नंबर्स वन अपॉन एन स्क्वायर से बड़े होंगे ही क्या बोलते हो तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू ऐसा अगर मैं करता जाऊं वन अपॉन एन स्क्वायर ये कितनी टर्म्स हो गई यार उ मेनी टर्म्स आर हेयर देर आर एन टर्म्स है ना कितनी टर्म्स है यहां पे मेरे पास मेरे पास एन टर्म्स है एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री ठीक है एन इन टू एन प्लस वन तो लास्ट वाली टर्म हो जाएगी एन स्क्वायर ओके तो अगर ये सारी टर्म्स अगर मैं देखूंगे कि कितनी टर्म्स होंगी इन टोटल एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस एन तो ये सारी टर्म्स मेरे ख्याल से होंगी एन स्क्वायर माइनस एन अगर मैं पहली टर्म को हटा हम्म, यस तो ये बची हुई टर्म्स कितनी होंगी अब क्योंकि यहां पे आपको देखना है कितनी टर्म्स हैं है ना ये पहली टर्म हुई ये दूसरी टर्म हुई तीसरी टर्म हुई तो एन स्क्वायर तक जाते जाते कौन सी टर्म हो जाएगी एन एन प्लस वन एन प्लस टू तो यहां पे आपको देखना है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एन स्क्वायर माइनस एन ठीक है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये बड़ा होगा वन अपॉन एन स्क्वायर और स्टार्टिंग uh, में मैं क्या करता हूं वन अपॉन एन डाल देता हूं यहां पे है ना क्योंकि वन अपॉन एन उस तरफ भी है तो वन अपॉन एन इस तरफ भी डाल देते हैं प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर ये मैं लॉजिक यहां का यूज़ कर रहा हूं ठीक है इन सबको ऐड कर दो और आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा तो यहां पर मेरे पास कितनी टर्म्स होंगी यहां पर भी मेरे पास एन स्क्वायर माइनस एन टर्म्स होंगी ठीक है कितनी टर्म्स? माइनस एन ओके अब क्या करना है बेसिकली इन सबको ऐड कर दीजिए इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा वन बाय एन प्लस ये कितनी टर्म्स हो गई एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर टर्म्स विच इज बेसिकली वन बाय आई होप आपको दिख रहा हो ये बेसिकली हो जाएंगी वन बाय एन प्लस वन माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर विच इज बेसिकली वन बाय एन प्लस वन अपॉन वन माइनस वन बाय एन तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास सिर्फ बचेगा वन ठीक है सो दिस विल बी ग्रेटर देन वन आपके इस तरफ क्या आ गया ये वन आ गया आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू क्या आपको ये बात समझ आई प्लीज लेट मी नो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स में कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन में तो इमेजिन करिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है अगर मेरे पास एक से लेकर एन uh, से लेकर एन स्क्वायर तक कुछ नंबर्स हैं तो सबसे पहले यार आएगा एन फिर एन प्लस वन फिर एन प्लस टू अगर आता है लास्ट में एन प्लस एन प्लस एन ये नंबर आता है मेरे पास लास्ट वाला एन प्लस एन तो ये टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे यहां से लेकर यहां तक तो एन नंबर हो गए ये कितना हो गया एन प्लस वन नंबर फिर आपने क्या किया एन प्लस एन प्लस तो ये हो गया टू एन है ना फिर आपने किया टू एन प्लस वन फिर टू एन प्लस टू ये कहां तक जाएगा टू एन प्लस एन तक ये कितने नंबर हो गए ये मेरे पास नंबर हो गए एन तो ऐसे करते करते मेरे पास कितने सारे नंबर्स हो जाएंगे ठीक है या फिर आप एक इमेजिन कर लीजिए कि भाई अगर मैंने स्टार्ट किया वन बाय वन से फिर वन बाय टू से और मेरे पास है वन बाय एन स्क्वायर तक ये कितने नंबर्स हो गए टोटल ये हो गए टोटल एन स्क्वायर नंबर्स अब लेकिन मेरा नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वन बाय एन से तो इसके पिछले वाले नंबर्स को मैं हटा दूंगा वो कितने नंबर्स होंगे एन नंबर्स होंगे तो उनको हटा दीजिए तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं ठीक है तो ये कितने नंबर्स होंगे एन स्क्वायर माइनस एन तो आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू समझ आ रहा है है ना ओके चलिए ठीक है भाई तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार हम आ, सिर्फ आ, पी आर एम ओ के क्वेश्चन नहीं करेंगे हम आर के क्वेश्चन करेंगे अलग अलग स्टेट्स के पहले आरएमओ ओ अपने होते थे तो हम वो भी क्वेश्चन करेंगे रीजन वाइज हम आर क्वेश्चंस क्वेश्चन भी उठाएंगे वो भी करेंगे पुराने और कंपैरेटिवली उसी लेवल के आपके पास आईओ के क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक है क्योंकि तीस क्वेश्चन आएंगे फॉर्मेट अगर सेम है तो क्वेश्चंस का लेवल एक हद तक ही ऊपर जा सकता है इतना ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि टाइम आपको उतना ही मिलेगा है ना तो एक्सपेक्ट करिए कि अगर पिछले साल का पेपर एवरेज था तो इस साल का पेपर अबव एवरेज तो आएगा ही बट डिफिकल्टी लेवल अबव एवरेज से नहीं ऊपर जाएगा मतलब एक्स्ट्रा डिफिकल्ट पेपर नहीं आ सकता क्योंकि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हमारे पास तीस है पेपर ऑब्जेक्टिव है तो इसमें आप ज्यादा गुंजाइश कर नहीं सकते ठीक है चलिए वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन कहता है कि भाई एक्स वाई और जेड पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं हमें प्रूफ करना है ये इन ठीक है ये इन को प्रूफ करना है हुँ. ओके तो सबसे पहले क्या करें सर एक्चुअली ये क्वेश्चन काफी सिंपल है इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना है हर टर्म को एक बार सेपरेटली लिख लो सेपरेटली अगर आप लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके पास ये रिजल्ट आ गया अब यहां पे गौर करने वाली बात क्या है अगर आपको यह बात क्लिक कर गई तो यह क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपको कि सर एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो होगा ही क्योंकि स्क्वायर है या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा है ना तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू वाई एक्स एक्स वाई सॉरी है ना कैसा और नो गाइस और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये किससे बड़ा होगा दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई ठीक है अब मैं क्या करता हूं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं एक्स प्लस वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए एक्स प्लस वाई से तो आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कई बच्चे बोलेंगे सर आपने ये कैसे कर दिया ये क्या कर दिया ऐसे मल्टीप्लाई कैसे हमारे दिमाग में आएगा हम कैसे करेंगे तो यार जब आप ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये अपने आप क्लिक कर जाएगा आपको मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है कौन सा लॉजिक कहाँ अप्लाई करना है ये आपका ब्रेन खुद डिसाइड कर लेगा एक इंटुशन बोलते हैं इसको एक इंटुएशन आपके अंदर अपने आप आ जाएगी अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस प्रॉपरली प्रैक्टिस का मतलब है क्वेश्चन बनाइए बैठ के क्वेश्चन बनाइए रजिस्टर खोलिए रजिस्टर भरिए सोल्व कर करके सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप ऐसे टाइप का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं ठीक है अब यार अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो इसको क्या आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं कि इसका फैक्ट्राइजेशन आपको लग रहा है क्या आप देख के कह सकते हैं कि भाई सर ये तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फैक्टराइजेशन है बताओ भाई एजेंटेड सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फैक्टराइजेशन है है ना अगर ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फैक्टराइजेशन है फिर तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि अब मैं क्या करूँगा एक्स वाई को इस तरफ लिख लूंगा ठीक है मैं क्या करूँगा एक्स वाई को इस तरफ लिख लूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई तो एक्स से एक्स काट दो एक्स स्क्वायर बचा वाई से वाई काट दो वाई स्क्वायर बचा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपऑन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है सिमिलरली आप इस सेम चीज वाई और जेड के साथ कर सकते हैं तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई प्लस जेड सिमिलरली आप ये सेम चीज एक्स और जेड के साथ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन जेड प्लस जेड स्क्वायर अपन एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस जेड ठीक है अगर आप ये तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा क्या आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा है ना सिंपल क्वेश्चन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है बट द क्वेश्चन इज डूएबल बहुत ही ईजी है ये भी पी आर में नहीं आया था ये आर का क्वेश्चन है पुराना चलिए आपको मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं आपके पास दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है ये फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ए एंड बी आर एन टीचर सच दैट इलेवन डिवाइड्स ये एंड थर्टीन डिवाइड्स ए ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है शो दैट देर इज नो एन टीचर ए सच दैट ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस नाइनटीन इज डिविजिबल बाई टू एन ये आपको शो करना है तो शो वाले क्वेश्चन अगर आप कमेंट में कर सकते हैं अगर आपने कर दिया तो वेल एंड गुड बहुत ही बढ़िया यू विल गेट अ शॉर्ट आउट वरना यू ट्राई इट योर ठीक है पहले क्वेश्चन का इनका आंसर अगर इनका आंसर आप चैट में करते हैं तो आपको अगली क्लास में शॉर्ट आउट ज़रूर मिलेगा आपके कमेंट्स स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे और अगर आपको ऐसी ही क्लासेस और करनी है और आपको इन क्लासेस में बड़ा मज़ा आता है तो आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसको आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बारह महीने का चौबीस महीने का थर्टी सिक्स मंथस का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा आपकी प्रेपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी द कॉस्ट फॉर दीज कोर्सेज इज वेरी चीप दो साल का कोर्स सिर्फ कीमत है बाईस हजार पांच सौ रुपये और अगर आप इस पर एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट चाहते हैं एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड है रोहिला टेन ठीक है अगर तो आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो बेसिकली आपको दो साल का कोर्स सिर्फ बीस हजार रुपए का मिल जाएगा है ना ऑल दोज आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस कोर्स कैन कम आपको बस अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना गोल नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास एन टी एस सी इलेवेंथ ट्वेल्थ उसके बाद आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सब्सक्रिप्शन पेज आ जाएगा वहां पे आप चूज कर सकते हैं बारह महीने का चौबीस का या थर्टी सिक्स मंथस का और फिर उसके बाद आप चूज कर सकते हैं आपको कैसा सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा कोड लगाना मत भूलना लेकिन ठीक है अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा ठीक है सिमिलरली एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको बेसिकली एक पर्सनल गाइड भी मिलेगा जो आपको सारा हेल्प आउट करेगा इन योर स्टडीज आपको बताएगा कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है और आपका टाइम टेबल स्टडी प्लानर सब कुछ बनेगा और आप क्रिएटिविटी भी अपनी एनहांस कर सकते हो क्रिएटिव कॉर्नर करके क्लासेस होती हैं जिसमें क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है पेंटिंग सिंगिंग और डांसिंग ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कॉस्ट इसकी यहाँ पे है मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही तो यार आज के लिए इतना ही अगर आप मेरे टेलीग्राम में फॉलो करना चाहते हैं मेरी अलग 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 नई नई वीडियोस कब आती हैं उसके अपडेट्स जानना चाहते हैं तो ये अपना लिंक आप ब्राउजर में डाल सकते हैं उससे आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे तो यार आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली बार टेक केयर गाइस बाय बाय एंड कीप सॉल्विंग